येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। यतो हि पूर्वं वयं संस्कृत विषये बहूनि वाक्यानि पठितवन्तः, अधुना इदानीं कर्तृवाचक कर्तृवाच्य वाक्यरचना, कर्मवाच्य वाक्यरचना अर्थात कर्तरी वाक्यरचना, कर्मणि वाक्यरचना च वयं पूर्वं पठितवन्तः। अधुना वाक्यरचना विषये अभ्यासं कुर्मः, कथं वाक्यं भवति कर्तरी वाक्यरचना मध्ये, कथं वाक्यं भवति कर्मणि वाक्यरचना मध्ये। पूर्वं वयं नियमान् पठितवन्तः, तत्र प्रथमः नियमः आसीत् पहला नियम था कर्तरी वाक्य रचनायां कर्ता प्रथमा विभक्त्यां भवति, प्रथमायां विभक्त्यां भवति कर्ता, कर्म द्वितीय विभक्त्यां भवति, एवं क्रियापदम अस्ति, क्रियापदम यदस्ति तद् कर्ता अनुसारं चलति। यथा कर्ता एकवचने अस्ति तर्हि क्रियापदम अपि एकवचने भवति, कर्ता यदि द्विवचने अस्ति तर्हि क्रियापदम अपि द्विवचने भवति, एवं कर्ता यदि बहुवचने भवति तर्हि क्रियापदम अपि बहुवचनमेव क्रियापदं भवति। यथा रामः गच्छति, रामाः गच्छन्ति, रामः गच्छति, रामाः गच्छन्ति, तत्र कर्ता यदि एकवचने अस्ति तर्हि क्रियापदम् अपि एकवचने एव भवति, कर्ता यदि बहुवचने भवति चेत् क्रियापदम् अपि बहुवचने एव भवति। तदस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं, पूर्वं वयं पठितवन्तः। अधुना कर्तरी वाक्य रचनातः मैंने पहले ही बताया था तह आया तो से अर्थ करना है, कर्तरी वाक्य रचनातः कर्मणि वाक्य रचना याम परिवर्तनं कर्तव्यं, वाक्य परिवर्तन, तरी कर्ता प्रथम विभक्ति विभक्तो अस्ति चेत तृतीया विभक्ति में कर्ता जाएगा, तृतीया विभक्त्यां कर्ता भवति, कर्म द्वितीया विभक्त्यां भवति कर्तरी वाक्य रचना मध्ये, कर्मणि वाक्य रचना मध्ये कर्ता प्रथमा विभक्त्यौ भवति, क्रियापदं कर्मानुसारं चलति कर्मणि वाक्य रचना मध्ये। अधुना वयं पूर्वं सम्यक्तया अभ्यासं कुर्मः कर्तरी वाक्य रचनायाः। कर्तरी वाक्य रचना का हम फिर से पुनः अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, पुनः वयम् कर्तरी वाक्य रचनायाः अभ्यासं कुर्मः। यथा सह पाठं पठति, वो पाठ को पढ़ता है, त्वं गीतं गायसि, त्वं हे इसके लिए गायसि आया, देखिए त्वं में म नहीं आएगा वो गलत है, यहाँ के अनुस्वार हो जाएगा, यहाँ पर त्वं गीतं गायसि, हाँ कर्सर वहां पर ले जाइए। सह माम पश्यति, वह मुझे देखता है, त्वं पुष्पाणि चिनोषि, आप पुष्प को चुनते हो, यहां पर भी त्वं में अनुस्वार आ जाएगा, पुष्पाणि आगे ही इसके लिए देख सकते हैं आप, त्वं गीतं गायसि, त्वं पुष्पाणि चिनोषि,
अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखता हूं। त्वम पुस्तकम पठसि, आप पुस्तक पढ़ते हो। अहम जलम पिबामि, मैं जल पीता हूँ। गौ तृणानि, गौः तृणानि क्या है, खादति, गौः तृणानि खादति। अथवा भक्षयति, दोनों होता है। गौः तृणानि खादति भक्षयति, भक्षयति इसलिए आया, गौः एकवचन में, गौः इस तरह से लिखा जाता है, गो नहीं लिखा जाता है। बहुत लोग कहते हैं वंदे गो मातर, तो ओ गो होता है जियो गो जाने का, इस तरह से हम भी यहां पर लिखते हैं गो। तो ओ समझिए, पहले गौः शब्द है उसको इस तरह से लिखा जाता है, गौः तृणानि भक्षयति, एक गाय तृणों तृण को खाती है। तृणानि बहुवचन आया, देखिए तृणम एक तृण को नहीं खाती है कभी, वो बहुत सारे चारे को खाती है। तो गौः तृणानि भक्षयति, अब उसी तरह से बहुवचन में आएगा गौः, तो गावः, गौ गावौ गावौ गावः, गावः बहुवचन में आएगा तो गावः तृणानि भक्षयन्ति, बहुवचन क्या होगा, गावः तृणानि भक्षयन्ति। सह संकल्पम करोति, अब इसका बहुवचन क्या होगा, ते संकल्पम कुर्वन्ति, स मृगम हन्ति, तो उसका बहुवचन क्या होगा, ते मृगम, प्रायः इसका स्वरूप घ्नन्ति, घ्नन्ति होगा यहाँ पर, ते मृगम घ्नन्ति। गीता गीतम गायति, बहुवचन में करेंगे तो बहुत सारी गीता गीत को गाती है, गीताः गीतम गायन्ति, मेघाहा बहुवचन में ही है ये, तो मेघाहा जलम वर्षन्ति, मेघ जल को विद्या विनयम ददाति, बहुवचन होता तो ददती होता, विद्याहा होता बहुवचन में, विद्याहा विनयम ददती ऐसा हो जाता। आप देख सकते हैं, इसको अभ्यास कर सकते हैं, पूरे वाक्य का अभ्यास करिए आप किस तरह से इसको बनाते हैं। अब पहला काम ये करना है, प्रथमम कार्यम करो तू तावत, इसका बहुवचन यदि करना है हमको तो क्या चाहिए, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप कर्ता का बहुवचन करेंगे कर्म ऐसा रहेगा, लेकिन कर्ता बहुवचन में आएगा तो क्रिया भी किस वचन में आ जाएगी, बहुवचन में आ जाएगी। तो चलिए हम अभ्यास करते हैं। हाँ, सह पाठम पठती, तो उसका बहुवचन होगा क्या होगा, आप लिख कर भेज सकते हैं या आप बता भी सकते हैं। इस तरह से हम आज आदान प्रदान, तो पूर्वतनम को स्मरण हो जाएगा, पूर्वतनस्य पाठस्य स्मरणम भवति, किंचित अस्माभिः संस्कृत शब्दाः श्रूयन्ते, केचन शब्दाः श्रूयन्ते, वयम् शृणुमः, संस्कृत शब्दान् वयम् शृणुमः चेत् अभ्यासस्य सारल्यं भवति, अभ्यासे सारल्यं भवति। तर्हि प्रथमं तावत् वयम् अभ्यासं कुर्मः, प्रथमं एकवचनस्य बहुवचनं कथं कर्तव्यं, यदि कर्ता बहुवचने भवति चेत क्रियापि बहुवचने एव भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव पठितम् अस्ति, वयं पूर्वमेव पठितवन्तः। तर्हि प्रथमं तावत् वयं पश्यामः, सः पाठं पठति, इसका बहुवचन कर सकते हैं आप, कोई लिख कर भेज सकते हैं, कौन भेजते हैं कि इसका बहुवचन क्या होगा। आप याद रखें, बहुवचन केवल और केवल कर्ता का करना है, कर्म ऐसे ही रहेगा। तो कर्म किस तरह से इसको लिखेंगे हम बहुवचन में, कर्ता को बहुवचन करेंगे तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी, तो ओ मैं आपको बताता हूं। सह, तो सह का बहुवचन क्या होगा, वह एक, बराबर, तो उसका होगा ते, सह तौ ते, ते पाठम पठंती, अब देखिए पठंती हो जाएगा, आप स्पीड से लिखकर भेज सकते हैं हमको यहाँ पर। अब देखिए दूसरा वाक्य है, त्वम गीतम गाय गायसी, तो त्वम युवाम यूयम, तो यूयम गीतम क्या होगा, आप लिख कर भेज सकते हैं, गायसी गायथ गायथ, तो गायथ। सह माम पश्यति, सह का क्या हो जाएगा, ते ते माम,
पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, आप लिख कर भेज सकते हैं, ते माम पश्यन्ति, बहुवचन में किया केवल करनी ताकि आपको याद हो जाए पूर्व का। अब देखिए आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, आप कर ही सकते हैं। ये तो देखिए, कर्ता को बहुवचन में लाना है और क्रिया को भी बहुवचन में बनाना है आपको। अहम पत्रम लिख, त्वम पुष्पाणि चिनोषी, ठीक है। अभी उससे भी सरल लेते हैं, अहम पत्रम लिखामि, तो उसका क्या करेंगे, वयम पत्रम लिखामः, वयम पत्रम लिखामः। फिर आगे देखिए, त्वम पुस्तकम पठसी, त्वम का हो जाएगा त्वम युवाम यूयम, यूयम पुस्तकम पठथः पठथः। अहम जलम पिबामि, वयम जलम पिबामः। गौः तृणानि भक्षयति, गावः तृणानि भक्षयन्ति। आगे देख सकते हम लोग, तो इस तरह से वाक्य हम बनाते हैं। फिर आया है, हम देख सकते हैं आगे, सह संकल्पम करोति, सह संकल्पम करोति, ते सह तौ ते संकल्पम कुर्वन्ति, सह करोति ते कुर्वन्ति, क्योंकि करोति कुरुतः कुर्वन्ति। फिर है सह मृगम हन्ति, वो मृग को मारता है, तो ते मृगम घ्नन्ति, ते मृगम घ्नन्ति। ये तु घ्नन्ति निरर्थकम् परहितम्। ते का उपयोग बहुत बार किया है, उसमें ये बताया है कि समाज में चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उसमें बहुत अच्छा भर्तृहरि के सुभाषित थे, नीति शास्त्र के। थोड़ा संस्कृत का अभ्यास करिए तो सुभाषित आसानी से समझ में आते हैं। उसमें इन्होंने ये प्रयोग किया है, घ्नन्ति मतलब हंति, हंतः घ्नन्ति, हंति घ्नतः घ्नन्ति, ऐसा। तो इसमें हम देखते हैं घ्नन्ति, सह ते मृगम घ्नन्ति। गीता गीतम गायति, गीता, अभी गीता एक है, देखिए इसका बहुवचन ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारी गीता, तो गीता गीतम गायन्ति। मेघाः, ये बहुवचन में है, इसका एकवचन करना है तो मेघः। जलम वर्षंती की जरह वर्षति हो जाएगा, जो बहुवचन में है उसको हम एकवचन में करके देखते हैं, जो एकवचन में है उसको बहुवचन में करके देखते हैं। विद्या विनयम ददाति, विद्या एक वचन में है, एक विद्या विनय को देती है, बहुत सारी विद्याएं विनय को देती है, ऐसा बताता हो तो विद्या विनयम ददति। ददाति का क्या हो जाएगा बहुवचन में, ददति, ददाति, दत्तः ददति। रामः रावणं हतवान्, ये भूतकाल का वाक्य है ऐसे, लेकिन हम वर्तमान में करेंगे, रामः रावणं घ्नन्ति। इस तरह से हम कर सकते हैं, हंती यहाँ होना चाहिए क्योंकि हम वर्तमान काल के वाक्य बना रहे हैं अभी, तो अतवान की जगह हंती कर देंगे। अभी भूतकाल का लेंगे तब हम भूतकाल का दे। यदि इसको हमें बहुवचन बनाना भी है वान का, तो वान का वंता हो जाएगा, तो रामाहा रावणम हतवंतः, कृतवंतः, पठितवंतः, शुणवंतः, बराबर, शुणु ये करते हैं ना, पठितवान, कृतवान, श्रुतवान, श्रुतवंत, समझ गया, तो श्रुतवंत, पठितवंत, कृतवंत, बराबर। एवंत वंत वंत बहुवचन में आएगा, वान 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 एक वचन में आएगा, भूतकाल की बात है। और वती आया है वो स्त्रीलिंग में, भूतकाल में आएगा, और बहुवचन में वत्या आएगा। बहुत स्त्री पानी को पीती है, बहुत स्त्री कपड़े धोती है, तो स्त्रियः वस्त्रम प्रक्षालितवत्यः, अहम् वस्त्रम प्रक्षालितवान्, सा वस्त्रम प्रक्षालितवती, ताः वस्त्रम प्रक्षालितवत्यः, वयम् वस्त्रम प्रक्षालितवन्तः। बराबर, वान और वंत भूतकाल में हम देखेंगे वो तो। इस तरह से आप पुनः एक बार वाक्य पढ़ लीजिए सारे, तो आपको आसान रहेगा ये इस तरह के वाक्य को बनाने का। एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन को आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं, तो आपको इतना तो याद हो ही गया है।
एक वचन में क्रिया कर्तरी, और जैसे जैसे आप वाक्य बनाते जाएंगे जितने ज्यादा उतना आपको अभ्यास होता रहेगा, तो आप उतना जल्दी और सीख सकते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे भेजे हैं वाक्य लिख कर, तो वो बहुत अच्छा है कि वाक्य की रचना आ गई है, हमको पता चल गया है कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया कैसे चलती है, और कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। सारे के सारे वाक्य है वो कर्तरी वाक्य रचना में लिखे हैं, वो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया है। कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में, और क्रिया है वो किसके अनुसार चलती है, कर्ता के अनुसार चलती है। वो हमने देखा अभी, अभी आप देख लीजिए। अब हम नया एक शुरू करेंगे कि इसको हम कैसे कर्मणि वाक्य रचना में बनाएंगे। आपको यदि एक वचन और बहुवचन आ जाएगा तो आपको आसानी रहेगी कर्तरी वाक्य रचना और कर्मणि वाक्य रचना में। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि किस तरह से क्रिया चलती है। एक वचन में कर्ता है तो एक वचन में क्रिया चलेगी, द्विवचन में करता है तो द्विवचन में चलेगी, और बहुवचन में करता है तो बहुवचन में चलेगी कर्तरी वाक्य रचना। लेकिन कर्मणि वाक्य रचना में कर्म के अनुसार क्रिया चले, तो इसके लिए इसका अभ्यास ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए हम अभी प्रयत्न करेंगे कि कर्मणि वाक्य रचना इसकी किस तरह से होगी, इसको कैसे कर्मणि वाक्य रचना में बनाएंगे। तो इसको आप प्रयत्न करें, कैसे आप बनाते हैं इसको, पहले कर्मणि वाक्य रचना के मैंने लिखा दिए थे कि क्रिया कैसी हो जाएगी, तो आत्मनेपद के रूप वाली हो जाएगी, वो मैंने पहले ही नियम में बताया था, पठ्यते हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा, दृश्यते हो जाएगा, भूयते हो जाएगा, गीयते हो जाएगा, पृच्छ्यते हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर, देखिए आप इस तरह से सभी धातु के रूप मैंने पहले बता दिए थे। तो ये कर्तरी वाक्य रचना और कर्मणि वाक्य रचना करते वक्त आपको ये याद रहना चाहिए, ये पूरा का पूरा आपको अभ्यास करना है। ये भी आपको मिल गई होगी, नहीं मिली हो तो राजेश्वर राव जी को बता दीजिए, वो आपको भेज देंगे। तो इसका आप अच्छी तरह से बनाइए, अभ्यास करिए, ताकि आपको याद रहे कि किस धातु का कैसे बनता है। पठति का पठ्यते, गच्छति का गम्यते, पवति का भूयते, गायति का गीयते, पृच्छति का पृच्छते, रोचति का रुच्यते, इस तरह से रोच्यते, इस तरह से बनता है। तो ये आप पूरा का पूरा याद रख लीजिए। देखिए ये सारी क्रियाएं दी गई है यहाँ पर, सभी क्रिया, करोत का क्रियते, पूजयति का पूज्यते, पिबति का पीयते, इस तरह से स्मर्यते, श्रूयते, नीयते, दीयते, समझ गए आप? तो इस तरह से आप पूरे के पूरा याद रखिए इसका। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप कर्मणि, देखिए यहाँ का एक आपको, आपने ये याद रख लिया अभी, पठ्यते, गम्यते, भूयते, गीयते, पृच्छते, ये एक याद रखिए। और आगे की जो हम स्लाइड में देखते थे अभी की स्लाइड में, वो दिखाइए मयंक भाई, वो आपके सामने है। देखिए अब देखिए, पाठम पठति, पठति का क्या लिखा, पठ्यते, एक वचन है। देखिए कर्म एक वचन में है पहले, तो यहाँ एक वचन आ जाएगा। पहले कर्म देखना है आपको इसका, जब जब आप कर्तरी से कर्मणि करेंगे तो कर्म को मुख्य देखना है। तो पहले आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए, क्या बनाना है, कर्मणि वाक्य रचना बनानी है, तो पहली नजर आपकी कहाँ जानी चाहिए, कर्म के ऊपर। कर्म कौन है, पाठम, पाठ को, एक पाठ को कह रहे हैं कि बहुत पाठ को, एक पाठ को, तो एक वचन है। तो क्रिया किस में आएगी, एक वचन में आएगी। पठती है उसका क्या होगा, पठ्यते, तो पठ्यते। अब पाठम, कर्म, फिर से हमने कहाँ नजर करी, क्रियापद सेट कर दिया कर्म को देखकर। अब दूसरी बात, अब कर्म को देखकर क्या, कर्म खुद को सेट करना है, तो खुद को कैसे सेट करेंगे, पाठम है उसको, एक पाठ कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, पाठ राम कृष्ण श्याम, उसका द्विवचन हमने बोला, उसकी जो द्वितीय विभक्ति की थी पाठम, यहाँ हो जाएगा पाठ पठ्यते। अब अंत में आएगा कर्ता, पहले कर्ता प्रथम में आता था, लेकिन जब जब हम कर्मणि वाक्य रचना बनाएंगे कर्ता अंतिम में देखेंगे हम उसको। तो किसके द्वारा पढ़ा जाता है, सह वो है, तो उसकी तृतीय विभक्ति आ जाएगी, तेन 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 पाठ पठ्यते। स का तेन कैसे होगा पता है आपको, स शब्द कैसे चलेगा, तत्शब्द है वो कैसे चलेगा, सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तेन ताभ्याम तेहि तृतीया, तेन, समझ गए, तेन पाठ
पठ्यते। आसान है एकदम बनाना। फिर से हम देखते हैं, तलिए त्वम गीतम गायसी, क्या वाक्य है? त्वम गीतम गायसी, मैंने फोकस किया इसका कर्मणि बनाना है, कर्म को मैंने देखा, क्या गाता है? गीत को गाता है, तो गीतम कर्म को फोकस किया। अब पहले मैंने देखा कि गीतम कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, बराबर है, एक वचन है, तो तुरंत ही गाने की क्रिया है। अब वो तो कर्म के अनुसार चलेगी, इसके लिए क्या हो जाएगा? गीयते, यहाँ पठती मी सी जो भी होगा अभी कर्म के अनुसार होगा, तो गीतम एक वचन है तो गीयते, बराबर। अब गीतम शब्द है वो ज्ञानम की तरह ही है, इसके लिए पहली विभक्ति में भी गीतम होगा, प्रथमा में भी, द्वितीया में भी गीतम होगा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि प्रथमा, उसी तरह से गीतम गीते गीतानि प्रथमा, तो गीतम ही होगा, गीतम गीयते। अब किसके द्वारा? तो के त्वम, तो तू गीत गा रहा है, तेरे द्वारा, तो त्वम की जगह पर क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति, त्वम युवाम यूयम, बराबर है, ये इस तरह से उसको क्या हो जाएगा? त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, समझ गए आप? तो त्वया त्वया गीतम गीयते। समझ गए आप? सह माम पश्यति, अब देखिए फिर से माम, बराबर, माम कर्म, कर्म को देखा, कौन सा वचन है माम? एक वचन है, देखिए वचन एक है, पुरुष मैं हूं, उत्तम पुरुष, माम मुझे, लेकिन वचन कैसा है? मुझे की हम सबको, मुझे माम, बराबर है, एक वचन है, तो क्रिया किस में आ जाएगी? एक वचन में। पश्यति आत्मनेपद में होगा, उसका दृष्ट धातु का दृश्यते, और माम का हो जाएगा यहाँ पर अहम, बराबर, अहम, बराबर। थोड़ा कठिन है, इसके लिए हम इसको छोड़ते हैं थोड़ा, क्योंकि अहम दृश्य होगा, किस तरह से होगा वो देखते हैं। अभी हम चौथा वाक्य लेते हैं, इसका मैं त्रिज्य का बताऊंगा, लेकिन थोड़ा कठिन है, इसके लिए आप पहले अभ्यास कर लीजिए। तो चौथा सीधा लेते हैं, त्वम पुष्पाणि चिनोषी, ये भी थोड़ा कठिन है, पांचवा ले लीजिए, अहम पत्रम लिखामि, बराबर, क्या है? पत्रम, उसका क्या होगा? पत्रम का एक वचन है, लिख्यते, लिख्यते, पत्रम कैसे चलेगा? इसकी प्रथमा विभक्ति पत्रम की पत्रम ही होगी, क्यों? क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द में एक याद रखना है आपको, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो ज्ञान जैसे होता है वो ऐसे ही चलता है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी प्रथमा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी द्वितीया, इसी तरह से पत्रम पत्रे पत्राणि प्रथमा, पत्रम पत्रे पत्राणि द्वितीया, इस तरह से। तो क्या हुआ? अहम पत्रम लिखामि, तो पत्रम लिख्यते, पत्रम लिख्यते, बराबर, अहम तो क्या हो जाएगा? मया, अहम की तृतीया क्या होगी? अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, तो मया पत्रम लिख्यते, त्वं पुस्तकं पठसि, ये भी हम बना सकते हैं आसानी से, पुस्तकम एक वचन है, पुस्तकम पठ्यते, किसके द्वारा? त्वम, तेरे द्वारा, तो त्वया त्वया पुस्तकम पठ्य पठ्यते, पुस्तकम भी कैसे चलेगा? नपुंसकलिंगे, पुल्लिंग होता तो पुस्तक हो जाता, नपुंसकलिंगे, इसके लिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया, इस तरह से। तो ऐसे आप देखते जाते हैं, अहम जलम पीबामी, बराबर, इसको भी आसानी से बना सकते हैं, पीबामी चलम, चलम में फिर से कर्म को देखना है, एक वचन है, क्रिया एक वचन की ले लेते, पीबामी में क्या हो जाएगा? भले पीबामी रहा, पीबा पीबसी रहा, पीयते पीयते, क्योंकि कर्म के अनुसार चलेगा, कर्म क्या है? तृतीया तृतीय पुरुष का एक वचन, चलम, चलम मैं नहीं हूं, चलम तुम नहीं हो, चलम कोई और है, तो पीयते चलम पीयते, किसके द्वारा? अहम, तो अहम की तृतीया हो जाएगी मया, मया जलम पीयते, गौः तृणानि भक्षयति, तृणानि देखिए कर्म को देखिए, बहुवचन और कोई और पुरुष, तो सीधी क्रिया उठाइए भक्षयति की, भक्ष्यते,
भक्ष्यन्ते भक्ष्यते भक्ष्यते भक्ष्यन्ते, तो तृणानि भक्ष्यन्ते किसके द्वारा? गौ, गौ का तृतीया करिए तो गौ गावो, गावः प्रथमा, गावम गावो, गावः द्वितीया, गवाह वही है ना, गवाही है ना। हाँ बहुत दिन हो गए इसके लिए, विद्यार्थी बैठा है सीख रहा है अभी, तो गवाह गुणानी गवाही होता है ना, पक्षियंते गवाह अर्थात गायो, एक गाय के द्वारा घास को खाया जाता है, गवाह गुणानी पक्षियंते, समझ गए आप। सह संकल्पम करोति, फिर से देखिए संकल्पम, संकल्प एक वचन, प्रथमा विभक्ति संकल्पम एक वचन है, करोति का हो जाएगा क्रियते, संकल्पम का हो जाएगा संकल्प, संकल्प क्रियते किसके द्वारा किया जाता है? सह, तो हो जाएगा तेन, तृतीय विभक्ति में कर्ता आ जाएगा, सह तौ ते प्रथमा ताम तम तौ तान द्वितीया तेन ताभ्याम ते ही तेन संकल्प क्रियते। सह मृगम हंती, बराबर, सह मृगम हंती, फिर से मेरी मेरी नजर कहाँ गई? कर्म के ऊपर गई, कर्म मृग, कोई और पदार्थ, वो भी एक वचन में, तो एक वचन में क्रिया आएगी, हंती का हो जाएगा हन्यते, बराबर, मृगम का हो जाएगा मृग, एक वचन में कर्म हो जाएगा, ओ प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा मृग हन्यते किसके द्वारा? सह, उसके द्वारा, तो सह का हो जाएगा तेन मृग हन्यते। गीता गीतम गायति, गीता के द्वारा गीत गाया जाता है, तो ऐसा बोले हम कहेंगे उसको, तो गीतम ज्ञायति, तो गीतम मैंने देखा एक वचन है, और गीतम मैं नहीं हूं, आप नहीं हो, कोई और है, तीसरा गीतम गीयते, गीतम ज्ञानम की तरह होगा, नहीं तो गीत हो जाता, गीतम गीयते किसके द्वारा? गीता के द्वारा, तो गीता का तृतीय विभक्ति हो जाए गीतया, गीता गीता यही होगा, नद्या, इस तरह से नहीं होगा, गीता चलती है रमा की तरह, रमा रमे रमा प्रथमा रमाम रमे रमा द्वितीया रमे रमया रमाभ्याम रमया गीतया गीतया गीतम गीयते, समझ गए ना, गीतया गीतम गीयते। मेघाः जलम वर्षन्ति, जलम के ऊपर मेरी नजर गई, जलम वर्षन्ति, समझ गए आप। अब मैं कहूंगा कि कर्मणि वाक्य रचना का चार्ट आपको दिखा दे, कर्मणि वाक्य रचना का चार्ट दिखा दीजिए आप, तो सबको अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि हमने सोचा था कि पहले, हाँ देखिए आप ये चार्ट को देख सकते हैं, तेन पाठ पठ्यते त्वया गीतम तेन अहम दृश्ये त्वया पुष्पाणि चीयन्ते मया पत्रम लिख्यते त्वया पुस्तकम पठ्यते मया जलम पीयते मया गवा तृणानि पक्ष्यन्ते तेन संकल्पम संकल्पः क्रियते तेन मृगा हन्यते गीतया गीतम पीयते मेघे जलम दृश्यते विद्यया विनयः दीयते रामेण रावण हतः, समझ गए ना। हाँ आप देख लीजिए सारे वाक्य है मैंने जो पढ़ाए हैं वो सारे, इसका पूरा अभ्यास करना है, और आपको अपने आप को देखना है कि आपकी कितनी गलती होगी, ये आपके अभ्यास के लिए है, अगली बार मैं आपको अभ्यास के लिए दूंगा, तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो भी किसी को कोई प्रश्न है तो अभी मैंने सोचा था कि इतने वाक्य आपको करा दूं, मैंने करा दिए है, अब आप इसमें से कोई प्रश्न है तो सकते हैं, ताकि समझ में आ जाए कि आपने कितना समझा है इसको, नहीं तो वापस हम एक पाठ में इसका पूरा का पूरा ले लेंगे पहले से ही, ताकि आपको कर्तरी वाक्य रचना, कर्मणि वाक्य रचना, एक वचन और बहुवचन, ये सभी को पता चल जाए, ताकि आप आसानी से संस्कृत को बोल सके, आसानी से संस्कृत में वार्तालाप कर सके, वार्तालाप को समझ सके। जी कोई प्रश्न है तो अभी हम लेंगे। जी धन्यवाद आचार्य जी, जी मैं अनम्यूट करता हूँ। हेट जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार।
इसमें जो कर्ता होते हैं उसको तृतीय विभक्ति में कन्वर्ट बनाना होता है। कर्ता को तृतीया में, देखिए मैंने नियम सब दे दिए थे आपको पिछली बार ही, कर्ता को तृतीया में, कर्म को प्रथमा में। कर्ता प्रथमा विभक्ति में तब होगा, कर्तरी वाक्य रचना में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, तो जिसके अनुसार क्रिया चलती है वो प्रधान हो जाता है, बराबर। तो प्रधान है तो प्रथमा में आएगा, वो तो पक्का है, कर्ता प्रथमा में है कर्तरी वाक्य रचना में, कर्म प्रधान है कर्मणी वाक्य रचना में। अब कर्तरी वाक्य रचना है तो कर्ता प्रथमा में है तो कर्म द्वितीया में है, और कर्मणी वाक्य रचना में कर्ता तृतीया में है और कर्म प्रथमा में है, समझ गए ना आप जी। गुरु जी, जैसे ये तीसरे वाक्य में लिखा है उसके द्वारा मैं देखा जाता हूँ, तो तेन अहम दृश्यते नहीं आएगा क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि सामने अहम कर्म है ना, मैंने पहले बताया, मैं अहम कर्म हो जाता है, इसके लिए मैंने बताया वो थोड़ा कठिन वाक्य है, तो दृश्यते नहीं आएगा। जब कोई और वस्तु होती तो दृश्यते आता, जैसे तेरे द्वारा पुस्तक देखा जाता है तो कर्म क्या हो गया, पुस्तक हो गया, तो पुस्तक दृश्यते होगा, लेकिन यहाँ अहम कर्म है, देखिए ये कठिन है थोड़ा, कर्म अहम है यहाँ पर, समझ गए ना, इसके लिए दृश्य आया, बराबर समझ गए ना, अहम कर्म हो गया है इसके लिए आपको कठिनाई हुई वहां पर। कोई और वस्तु कर्म हो जाती तो दृश्यते ही आता, जैसे तेन पुस्तकम दृश्यते, तेन चित्रम दृश्यते, तेन गृहम दृश्यते, तेन मार्गः दृश्यते, तेन चलचित्रम दृश्यते, इस तरह से होता, लेकिन तेन अहम दृश्यते नहीं, दृश्य क्योंकि अहम दृश्य, समझ गए ना आप, कर्म अहम है जी। आगे जी, हाँ जी बताइए कोई प्रश्न, हाँ अनम्यूट कीजिए, हाँ मानो गुरु जी नमस्कार। प्रश्न तो नहीं है मेरे को, बस थोड़ा सा ना, अभी तक जैसे आपने पढ़ाया अभी थोड़ा थोड़ा ना, मतलब बहुत धीरे धीरे आ रहा है समझ में, अभी तक जो आ रहा था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए लग रहा है, या क्योंकि प्रैक्टिस तो मैं 1.5-2 घंटे करता हूँ, लेकिन थोड़ा ना अभी जैसे पिछले बार से लेके अब तक थोड़ा मतलब बहुत ही कम आ रहा है थोड़ा समझ में, प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ लेकिन उतना नहीं आ रहा जितना शुरू में इनिशियल लेवल में आ रहा था ना अच्छे से जल्दी, तो थोड़ा नहीं, सा ये थोड़ा देखिए, इन्हीं जो सबसे शुरुआत थी तब थोड़ा सरल था, अब थोड़ा कठिन आएगा, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे अब फिर से शुरू सरल शुरू हो जाएगा, ये थोड़ी वाक्य रचना में आपको अभ्यास करने के लिए एकदम नया होता है, इसके लिए तकलीफ होती है क्योंकि बार बार तृतीया में क्या होगा वो क्या होगा वो सब देखना पड़ता है इसके लिए, लेकिन आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया संस्कृत का तो बहुत आसान है, तुरंत आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये बात कर रहे हैं। और बहुत सारे वाक्य कर्मणी वाक्य रचना के होते हैं, इसके लिए हम ये कर्तरी वाक्य रचना के साथ साथ आपको कर्मणी वाक्य रचना भी बताते, ताकि आपको कोई भी, आप जब जब आप उसको देखेंगे, जब जब आप कोई पुस्तक को पढ़ेंगे, आयुर्वेद के ग्रंथ को या और कोई ग्रंथ को पढ़ेंगे, आपको तुरंत में समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इसका अर्थ है इसके लिए, लेकिन वो थोड़ा प्रयत्न करिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई कठिन नहीं है, इसके लिए हम प्रयत्न करके इसके लिए आपको आसान रहे इसके लिए स्लाइड शेयर करते हैं ताकि आप वाक्य को बना पाए, लेकिन मुझे लगता है ये भी पर्याप्त नहीं है, आप और समय थोड़ा दीजिए, रोज के 1.5-2 घंटे दीजिए शुरुआत में 2-3 महीने तक, बाद में कोई जरूरी नहीं है, बाद में तो आप आसानी से जैसे लिखा है ऐसा पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, और बाकी का हम थोड़ा थोड़ा आपको रोज संस्कृत की कथा सुनाने का प्रयत्न करेंगे, एक बार जब जब हमारा वर्ग होता है तब तक थोड़ा 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 सुनने का भी आप अभ्यास करिए, YouTube पर भी वीडियोस होंगे संस्कृत के, उसकी कथाएं सुनिए, कोई संस्कृत में बोलता है तो उसको सुनिए, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा जी। मनोरमा जी, जी जी प्रणाम गुरु जी। मनोरम जी का सिग्नल हमेशा नहीं, और कोई तकलीफ लगती है सिग्नल की या कल भी हुआ था चले जी,
राजेश्री जी, प्रणाम गुरु जी। मेरा सवाल है, ये जो संज्ञाएं हैं जैसे पाठ, गीतम, विनय और संकल्प, तो यहाँ पे सिर्फ गीतम को नपुंसक लिंग माना गया है, पुल्लिंग माना गया है, पाठ पुल्लिंग शब्द है। हाँ, तो नपुंसक लिंग क्यों नहीं है, पाठम क्यों नहीं है, क्योंकि मतलब वो हम कैसे डिसाइड करें? ओ हमको याद, अब देखिए वो गण एक होता है लिंगानुशासन है, वो हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, वो पहले से ही चला आता है कि गीतम ही उसको गीतम कहा जाता है, किसी को पाठ है, किसी को राम है, और किसी को मतलब इस तरह ज्ञानम, ज्ञान नहीं ज्ञानम। तो ये कैसे पता चलता है, तो ये तो शब्दों को धीरे धीरे आप याद करेंगे तो अलग कौन से शब्द नपुंसकलिंग में है, कौन से पुल्लिंग में है और कौन से स्त्रीलिंग में है, उससे ही पता चलेगा। हमारी व्यवहार भाषा में स्त्री और पुरुष के शब्द इतने रूढ़ हो गए कि कोई ये नहीं पूछता है कि मेरा नाम मानो कि मेहुल है या मयूर है, मेरा नाम मयूर है, मान लो मयूर है तो पूछे रहे मयूरी क्यों नहीं है, बराबर। किसी का भी पुरुष का नाम गीता नहीं है, सीता नहीं है, देखिए हो सकता है ना सीता क्यों नहीं है, कोई पुरुष का नाम सीता क्यों नहीं है, कोई स्त्री का नाम कृष्ण क्यों नहीं है, कृष्णा हो सकता है, कृष्णा होगा लेकिन कृष्ण नहीं होगा, बराबर, राम नहीं होगा। तो ये लिंग निश्चित होता है शब्द का, वो पहले से ही लिंगानुशासनम में पाणिनि ने बताया है। ये देखिए प्रत्येक शब्द का लिंग निश्चित होता है, स्लाइड पर आप देख सकते हैं, मैंने पहले बताया था कि शब्द का लिंग निर्धारण लिंगानुशासनम में पाणिनि ने बताया है, प्रत्येक शब्द का लिंग निश्चित होता है, तो वो हमको याद रखना पड़ेगा, अनादि काल से वो चला रहा है। हम जैसे कैसे हमको पता चल जाता है, मानो किसी का नाम ही पता चल जाए ना, उसके ऊपर से हम जेंडर को पता कर सकते हैं। जैसे आपने क्या लिखा, नहीं मेल फीमेल नहीं लिखा, लेकिन आपने नंदिनी ने भेजा हमको यहाँ पर व्हाट्सएप या कोई भी देख रहे थे, नंदिनी लिखा था उसमें, तो उसमें ये नहीं लिखा था कि ये स्त्री है कि पुरुष है, क्या समझ लेंगे आप उसको, आप क्या समझे बताइए, नंदिनी लिखा है क्या समझे आप, स्त्री स्त्री स्त्री, पता चल गया आपको, बराबर है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा आपने देखा कि नंदिनी मतलब स्त्री, बराबर, क्योंकि ये सीता लिखा किसी ने, आशा देखिए अभी आशा है, तो आशा स्त्री होगी या पुरुष होगा, तो स्त्री होगी, लेकिन नपुंसकलिंग का इतना प्रचलन नहीं हुआ, जैसे ज्ञानम नपुंसकलिंग है कि पुल्लिंग है वो पता नहीं, क्योंकि ज्ञानम का इतना ज्यादा प्रचलन व्यवहार में नहीं हुआ, लिंग को देखकर नाम नहीं होता है किसी का ज्ञान, इसके लिए हमको कंफ्यूजन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्ञानम पाठ है, तो पाठ है वो पुल्लिंग है, ज्ञानम नपुंसकलिंग है, गीतम नपुंसकलिंग है, तो वो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि कौन से शब्द नपुंसकलिंग में है। बाकी बहुत सारे शब्द तो ऐसे होंगे आप देखकर पता करोगे कि ये तो स्त्री का ही शब्द है, स्त्री के स्त्रीवाचक ही शब्द है, जैसे आशा है, नदी है, रमा है, ये सभी तो स्त्रीलिंग में ही चलेगा, वो आपको आसानी से पता चलेगा। कोई शब्द आपको आसानी से पता होंगे, राम श्याम, बराबर, ये पुल्लिंग में ही होंगे, ठीक है, तो ये ज्यादातर वस्तुओं के शब्द होंगे या ऐसे कुछ, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे पाठ है तो पाठम नहीं है, पाठ है वो अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। जी नागराज जी, प्रणाम गुरु जी। कर्म वच में तीसरा आइटम तेना अहम दृश्य, वो हा के ऊपर बिंदु आना है, हा के बगल में मार शायद, वाह भाई वाह, अहम में म नहीं आना है, बिंदु आना है, जी हाँ बराबर, वो कर देते, ठीक है, आगे बताइए, कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं आचार्य जी, तो बस कल हम लोग मिलेंगे, तो कल हम लोग मिल रहे आहार विधि, आहार विधि जी, आहार उसको आप नाम देंगे आहार विधि, आयुर्वेद की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से आइडियल आहार विधि क्या है, आइडियल आइडियल को आदर्श, आदर्श आहार विधि, ओके आइडियल आहार विधि, ओके ओके अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ओके अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा,
ये पीपीटी भी नहीं भेजे तो लगता है आचार्य जी, नंदिनी बहन जी पूछ रहे थे, तो ये पीपीटी, ये संस्कृत का पीपीटी, ये पीपीटी नहीं भेजा, ये तो आज सिखाया हमने। हेलो ओके, पुराना तो भेज दिया है हमने सब, ये दो बाकी है मयंक भाई, ये दो भी आज राजेश्वर राव जी को भेज दीजिए आप, ठीक है। हाँ, ग्रुप में भी भेज सकते हैं आप, मेल में भेजे या आपको भेजे? नहीं, आप ग्रुप है, वो ग्रुप में है भाई साहब, मैं ग्रुप में है, तो ग्रुप में होती है, चलेगा, वो अच्छा किया आपने, वो तुरंत वही रख देंगे, अभी ग्रुप में रख देंगे व्हाट्सएप। आचार्य जी, तो कल हम लोग रात को 9 बजे मिल रहा है आचार्य जी, ठीक है आदर्श आहार विधि, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।